सब अब मेरा काम हो जाएगा ना। उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई हो जाएगा। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से इसने मुंह पहुंचा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तो तुम्हें एक दो चक्कर और लगाने पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम से बाहर एहतियात के तौर पर एक तायराना नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो दफ्तर का चौकीदार मुझसे चाय पानी के पैसे लेकर मेरा खैर ख्वाही था, लेकिन मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजर थी। नहीं, कल नहीं, मैं कल नहीं। मैं इस रोज यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैं नजरों से उसके जिस्म के पेचो खम को तोलने लगा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। इसे उतार कर सीधी पहन लो, मैं चलता हूँ। मेरे 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ एहतियात से जाना, कोई देख ना ले तुम्हें। यहाँ जीमल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 2 महीने पहले डाकुओं के साथ मुजाहमत के दौरान उसे टांग पर गोली लगी और अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। फैक्ट्री के मालिकान उसकी इमदाद के लिए 50,000 रुपये देने का ऐलान करके भूल चुके थे। उसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम को इसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया। उमर, उमर, अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए अकब से मुझे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी और मेरे घर आने का वक्त एक ही था। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से उसकी बातें खिल रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरी प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने उसने हैंडबैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से उसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हूँ, मैं मेहनत जो इतनी करती हूँ। वो अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले जा रही थी। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था। अचानक मेरी नज़र उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों से उलझ गई।